पाकिस्तान की हालत न घर की न घाट की वाली हो गई है। जिस अमेरिका के दम पर वो कुछ दिनों पहले इतरा रहा था, उसी अमेरिका ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता दिया है। ये बयान किसी अधिकारी या एम्बेसडर ने नहीं बल्कि खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दिया है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर भी बाइडेन ने चिंता जताई है। पाकिस्तान बाइडेन के बयान से इतना तिलमिला गया है कि वो बाइडेन से माफी मांगने की मांग कर रहा है। बाइडेन के इस बयान से पाकिस्तान को जोर का झटका काफी जोर से लगा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक फंड रेजर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा, पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है जिसके पास बिना किसी फूल प्रूफ सुरक्षा प्रणाली के परमाणु हथियार हैं। आज दुनिया पूरी तरह अलग है। क्या आप में से किसी ने कभी सोचा था कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से एक रूसी नेता होगा जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देगा? क्या किसी ने सोचा था कि हम ऐसी स्थिति में होंगे जहां चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान के सापेक्ष अपनी भूमिका जानने की कोशिश कर रहा है? मैंने शी जिनपिंग के साथ दुनिया में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक समय बिताया है। बता दें कि पाकिस्तान के पास इस वक्त 165 परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो लगातार इनकी संख्या बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अगर इसी तेजी से परमाणु बम बनाता रहा तो साल 2025 तक उसके पास 200 एटम बम हो जाएंगे। पाकिस्तान में परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। जिस तरह से आतंकवादियों को पाकिस्तान में पनाह दी जाती है, इस वजह से भी पाकिस्तान पर भरोसा करना एक मुश्किल चुनौती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान ने पाकिस्तान में इमरान खान समर्थकों को नाराज कर दिया है। इमरान की करीबी पीटीआई नेता और पाकिस्तान की पूर्व मंत्री शीरीन मजारी ने कहा कि अपने बयान के लिए बाइडेन को पाकिस्तान से माफी मांगनी होगी। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर यूएस दुनिया के लिए खतरा है क्योंकि आपका परमाणु हथियारों पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि B-52 बॉम्बर ने 2007 में 6 परमाणु बमों के साथ उड़ान भरी थी और घंटों किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। बाइडेन के इस बयान के बाद पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से किरकिरी हो गई है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।